अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज अब मैं ना रमज़ान की हमारी रूटीन अपनी सस्ती शायरी में आप लोगों को सुनाऊंगा। तो अर्ज़ किया है कि इफ्तारी में हम लोग समोसे पकोड़े और खजूर खाते हैं। वाह 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 वाह, इफ्तारी में हम लोग समोसे पकोड़े और खजूर खाते हैं, रात भर खेलते हैं पबजी और शहरी में घर वालों को जगाते हैं। सस्ती शायरी विद द नॉनी मस बाबा जी। तो बाबा जी देख लो, मैंने आप लोगों की अपनी रूटीन ना सस्ती शायरी में सुना दी आप लोगों को। तो सबसे पहले ठोको लाइक बटन गाइस, सब के सब लाइक बटन ठोक दो। और हम जा रहे थे जॉर्जो पुल, जिसका नाम हमने लाहौर रखा था। और ये मेरा रैंक इसमें एस है, वो आप एंड में देख भी लोगे, एस का गेम प्ले था। और आज मैंने थोड़ा सा ना अलग भी कुछ किया कि मैं आप लोगों के लिए कुछ फ़नी लेके भी आया हूँ। और तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये फ़नी गेम प्ले कैसा लगा। तो लाइक अगर आप लोग उस पर प्यार दिखाओगे तो हम लोग ज़रूर लाइक कमेंट सेक्शन में देखूंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा वो ट्रोलिंग वाला सेक्शन जो इस वीडियो में ऐड किया मैंने, तो हम लोग ज़रूर वैसी वीडियोज़ भी लाया करेंगे। तो गैस उतरते हम लोग जॉर्जपुर, लेकिन जॉर्जपुर में ना फिलहाल कोई नहीं आता, एकदम सुनसान पड़ा होता है। जैसे जॉर्जपुर में लूट नहीं होती ना, वैसे जॉर्जपुर में बंदे भी नहीं आए होते। बाबा जी कोई बात नहीं, आराम से उतरेंगे, मज़े से करेंगे लूट और फिर हम करेंगे सिटी में रश। क्योंकि जब जम की थी ना गैस, मैंने उस टाइम काफ़ी लोगों ने जम की थी, तो वो डेफिनेटली सिटी में जा सकते थे। तो ऐसे हम लोग देखने के लिए ना पहले मज़े से करेंगे लूट, उसके बाद उठाएंगे अपनी मेहरान गड्डी जिसका कलर बड़ा प्यारा हो गया। ये वाली स्किन गैस बड़ी मज़े की लगती है। आप लोग अगर आपके पास है तो आपने नोट किया होगा, ऐसा लगता है कि अपग्रेड हुई भी है। सबसे मज़े की डांस की स्किन मुझे ये वाली लगती है। आप लोग को ये कैसे लगती है मुझे कमेंट में बताना। वाकई में ऐसे लगता है ना जैसे अपग्रेड कर रखे गाड़ी। भाई इतना पैसा कौन लगाए गाड़ी पे, हम इसी से दिल खुश कर लेते हैं लॉल। फिर गैस हमने लगाई यहाँ से 300, नहीं ऐसा कोई 302 की स्पीड तो नहीं मैं बोल सकता लॉल। हमने भगाई अपनी मेहरान गड्डी और आगे गए हम जॉर्जपुर की सिटी में, जिसका नाम गुजरात सिटी रखा हुआ था। और यहाँ पे ऑलरेडी धमाकेदार फाइट हो रही होती है, यहाँ पे ना दो स्क्वाड लड़ रहे होते हैं, हम आके थर्ड पार्टी कर देते हैं। थर्ड पार्टी इतने मज़े की होती है बाबा जी, मज़ा आ जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कब मैं दोनों स्क्वाड मर गए। छत पे बंदे थे गाइस, तीन का साउंड आ रहा था, मैंने नेट निकाला और नेट करने में जो मज़ा आता ना, ओए होए होए होए, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी खतरे में आने वाली है। नेट फेंका गाइस, नेट तो परफेक्ट था भैया, फट गए। अभी आप मुझे कमेंट में बोलोगे लाइक, अगर मैं हल से कुछ बोलता नहीं ना तो आपने कमेंट में बोलना था रानवेस भैया वहाँ पे बंदा नॉक पड़ा था आपने देखा नहीं। और वाकई में मैंने नहीं देखा था, मैं जब दोबारा जाता हूँ ना मैंने जाते हुए देखा उसको, फिर मैंने फिनिश किया, किल उठाया इसका और ऊपर से दूसरा किल कंफर्म किया। ये बंदा आता है ऊपर तो मैं जंप करके यहाँ पे इसको करता हूँ बाबा जी फिनिश। अब ये स्क्वाड हो गया था ऑल डेड, और शायद से गाइस ये लोग आपस में लड़ लड़ के पहले ही मर चुके थे। तो एक बंदा सोलो यहाँ पे कैंपिंग कर रहा होता है लेवल लाइक 100 आरपी वाला सूट पहन के, ज़िंदगी खतरे में आती है। बट ये भी हमें डायरेक्ट मर जाता है। और इस तरह हमने आके एक सक्सेसफुल थर्ड पार्टी की, और यहाँ पे बहुत अच्छी लूट मिल गई थी गाइस। जॉर्जिया से हमें लूट नहीं मिलती बट यहाँ पे लूट मिलती, और हम दोनों आते उठाते हैं। और अब मेरा बैकपैक देख सकते हो, चार चार गैस कैन पड़े हुए थे। आई नो मज़ा आता है गैस गैस कैन उठाने में, गैस कैन से बंदा नॉक करने में ना बहुत मज़ा आता है। उसके बाद आए थे गैस हम सरकारी डब्बे पे। सरकारी डब्बे पे जब हम आए तो यहाँ पे लूट जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। ग्रोज़ा थी जो कि मैं चलाता नहीं, मेरी टीममेट की फेवरेट था, भाई हमने ग्रोज़ा दे दी क्योंकि मैं ऑलरेडी उजी थी और उजी मुझे ज़्यादा मज़े की लगती है। उसकी वजह गैस ये है कि जितनी लूट उठा लो ना मुझे कम लगती है, और फिर ना बैग हो जाता फुल। उजी जो है वो कम स्पेस लेती है, ग्रोज़ा की है वो ग्रोज़ा ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, तो मैं इसलिए उजी यूज़ कर लेता हूँ। अब गैस बंदे आ सकते थे ड्रॉप पे, और एस की लॉबी है तो ड्रॉप पे बंदे लाजमी आते हैं, और सर्कल भी काफ़ी छोटा था, बंदे काफ़ी थे, 33 अलाइव थे। तो मैं यहाँ पे रुक गया आराम से, और इतने में गुजरती है बाइक, और अच्छा वाला मैं वेट कर रहा था कि ये लोग जाएं ड्रॉप पे और फिर मारूं, लेकिन मेरी टीम मेट ने गड़बड़ कर दी, ग्रोज़र स्प्रे दिया, वो रुके ही नहीं और वो चले जाते हैं भैया सीधा ऊपर पहाड़ पर। लेकिन उनको इतना डैमेज पड़ता ना कि वो लोग भागते नहीं हैं, शायद से टायर पंचर हो गया था क्या मैं नहीं जानता, बट काफ़ी लो हो जाते हैं वो। और जब वो मुझे कंफर्म होता ना कि वहाँ पे रुक चुके हैं, फिर हम फैसला करता हूँ मैं कि ऊपर जाकर ना रश करूँगा। बाइक देख लिया मैंने वहाँ पे, तो अंदाज़ा है कि पत्थर के पीछे वो लोग अपने आप को ना हील कर रहे होंगे गाइस। तो फिर हमने फैसला किया बाबा जी फ़ौरन से उठाएंगे मेहरान गड्डी और जाके हाइट लेकर ना, अगर गाइस कभी भी ऐसे रश करो ना रिश के ऊपर, तो अपनी गाड़ी हाइट पर रोको, उससे आपको काफ़ी एडवांटेज होगा, आप एनिमीज़ को पहले स्पॉट कर लोगे और वो आपको लाइक इतनी ईजिली नहीं मार पाएंगे। तो हमेशा हाइट पर रोकनी चाहिए गाड़ी। फिर मैंने यही किया, अपनी मेहरान गड्डी उठाई और हम एकदम रोटेट करके हाइट पे जाकर रोक लेंगे। लेकिन जब मैं रुका मुझे दोनों की पोजीशन नहीं पता थी, सिर्फ बाइक की पता थी कि बाइक कहाँ पर है। तो यहाँ पे काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, मैं थोड़ा सा आगे गया बट जब मुझे नज़र नहीं आया मुझे मैंने लगा भाई ज़िंदगी खतरे में आ जाए, इससे पहले वापस पत्थर पे कवर पे आ जाओ। फिर मैं टीम में एक बंदा मार के जैसे भाग के आ रहा था, और फिर मैंने यहाँ पे इसको नॉक किया।
अब गाइस इनका एक और बंदा था क्योंकि बाइक पे दो थे और दूसरे की मुझे ज़रा लोकेशन नहीं पता थी कि वो है कहाँ। अच्छा ये मार्क किया बट वहाँ पे तो बाइक थी, तो मतलब बाद में बोला कि बाइक है तो हमने वो छोड़ दिया और ढूंढ रहा था कि कहीं से नज़र आ जाए, राइट लेफ्ट देख रहा था और फिर मैं टीपी भी लेने लगा कि रिवाइव देने तो आएगा कहीं से, मुझे लग रहा था राइट पर है बट ये एकदम लेफ्ट पर था। और फिर मैं गाइस यहाँ पे इसको किया नॉक और इसने ऑलमोस्ट मुझे नॉक कर दिया था, मेरी 1 HP रह गई थी। फिर हमने मज़े से फर्स्ट एड मारा बावजूद हम दोनों किल को करेंगे सिक्योर और मज़े से करेंगे इनकी लूट। और अब इनके टीममेट रिवाइव इनको बचाने के लिए आएंगे, लेकिन गाइस इनके टीममेट के साथ ना अलग ही सीन हो जाता है, वो नीचे स्क्वाड नीचे जहाँ पे घरों में हम रुके थे ना वहीं अगर रुकेंगे और वहाँ पे अलग से स्क्वाड आ जाएगा, तो मतलब वो दो बंदे पूरे स्क्वाड से पिटने वाले हैं और फिर हम जाके वहाँ पे करेंगे रश। और रश करके जो मज़े का गेम प्ले हुआ ना वहाँ पे गाइस ज़िंदगी खतरे में आ गई थी एकदम, बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ पे क्लच हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मज़े का था। फिर हमने मज़े से की गाइस यहाँ पे लूट और पेन किलर नहीं था तो दोनों हमारे पास एनर्जी ड्रिंक थी तो मैंने वो मार ली, लाइक कर ली। हाँ मार ली इसलिए बोला, हम कहते हैं ना बूस्ट मार लिया, तो हाँ वो फिर मैं एनर्जी ड्रिंक मार लिया ऐसे करके लॉल। और फिर हम अपनी मेहरान गड्डी उठाएंगे गाइस, नीचे फाइट हो रही थी, मैंने कहा चलो भाई रश करते हैं वहाँ पे थोड़े से किल्स उठाते हैं। तो दुड़की लगाई अपनी मेहरान गड्डी की तरफ और मेहरान गड्डी में जाके हम लोग सीधा वहाँ पर रश करेंगे और ऐसा ख़तरनाक वेलकम होगा ना गाइस हमारा, वहाँ पर ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। बैठे मेहरान गड्डी में, लगाया चौथा गियर पाँचवा गियर और सीधा जाके ठोकेंगे उसी कंपाउंड में जहाँ पर फाइट हो रही थी, 2 US ऑलरेडी वहाँ पर आ चुकी हैं। तो बाबा जी कुछ इस तरीके से मैंने ये वाला स्क्वाड किया वाइब गाइस, ज़िंदगी खतरे में आ गए थे। जो मैं ऊपर गया ना वो बंदा कंफ्यूज हो गया था वरना वो मुझे ले जाता, उसके पास भी यूज़ी थी। और गाइस उसके पास जोन चला जाता है तो मैं मेहरान गड्डी लेके आ जाता हूँ एकदम जोन के मिडिल में, और मिडिल में आना मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद लगा था, वो इसलिए कि सर्कल बार बार मुझ पर बनेगा और मैं ये फाइट निकाल लूँगा। फिर हमने अब एक ट्रिक की गाइस, अब ये ट्रिक कर सकते हो जो कि काम नहीं आएगी, कोई रश नहीं करेगा बट हाँ काफ़ी उम्दा ट्रिक है। गैस कैन एकदम ना जोड़ के लगा दो और जो अचानक से रश करेगा ना उसको कोई आइडिया नहीं होता कि गैस कैन पड़ा हुआ है। 4 बुलेट मार दो M4 की नहीं फटेगा और फिर आप 5वीं 6वीं मारोगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, और मेरे पास काफ़ी अच्छा एंगल था तो अब मैं आराम से वेट कर रहा था कोई रश करे। इतने में गाड़ी आती है गैस, इसको 1-2 बुलेट लगी लेकिन ये रुकता नहीं है, ये चला जाता है आगे और ये आगे वाले कंपाउंड्स पे जाकर रुक जाता है। तो गैस आप ऐसे ना 4 बुलेट मार के ना लाइक AKM की 3 मार दो और M4 की 4 मार दो और उसके बाद 1-2 बुलेट ही लगेंगी ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे यूज़ करता हूँ गैस कैन, बड़ा मज़ा आता है गैस कैन से नॉक करने की खुशी ना गैस बहुत बहुत ज़्यादा होती है। लॉल सहरी के टाइम ना मैं एडिट कर रहा हूँ, मैंने सहरी कहानी है सहरी करूँगा तो नीचे से बाइक वगैरह जा रही है, तो इग्नोर बाइक का साउंड। तो गैस ये बेचारा स्पॉट ही कर रहा था कि कहाँ पर जंप वम करके ओपन में आ गया और मैंने आपको फिनिश किया। इसके बाद वही वाला ड्रेस था, सब ने गैस ये पर्पल वाला सूट ले लिया और मैंने ले लिया वो ब्लैक वाला, मुझे बाद में थोड़ा बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ब्लैक वाला ले लिया। आपने 100 RP में कौन सा सूट लिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यार अगर आपने मतलब ब्लैक लिया तो आपको पर्पल अच्छा लगा या पर्पल लिया तो ब्लैक अच्छा लगा, मतलब आपने गलती से कुछ ले लिया मेरी तरह तो वो भी कमेंट करके बताना गाइस कि आपको 100 RP में कौन सा सूट अच्छा लगा है। तो मैं मज़े से कर रहा था वेट गाइस, ऊपर रिच पे आ जाते हैं बंदे, वो देखो नज़र आए बट मेरे पास स्नाइपर नहीं थी और मुझे डर था कि उनके पास स्नाइपर ही तो मेरा बैंड बच जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्प्रे दिया और वापस से पीछे हो गया क्योंकि वो कवर में जा चुका था और ये पूरा स्क्वाड था, तो मुझे डर भी था कि अगर इनके पास स्नाइपर ही ना मेरे कान के नीचे लगा के मेरी क्रेट बना देंगे बाबा जी। और ऊपर से गैस हमें दे दिया जोन ने धोखा, तो हम वापस अपना गैस कैन उठाएंगे स्मोक करेंगे गाड़ी पे और फिर मैं दोबारा से जोन के मिडिल में जाने का ट्राई करूँगा क्योंकि जब अच्छी लॉबी होती है ना। और अगर आप सोलो होते हो तो मतलब मुश्किल हो जाती है सर्कल में बार बार मूव करना, तो लेकिन मिडिल में जाना भी रिस्की होता है, आपको चारों साइड से पड़ती हैं और ऐसे ही कुछ हमारे साथ यहाँ पे जाके होने वाला है। मेहरान गड्डी ले गया गाइस, मैं स्प्रे आ रहा था चारों तरफ से, मैंने मेहरान गड्डी जाके पीछे से कवर में लगाई ताकि आगे जो मुझे मार रहे हैं उनसे गाड़ी बची रहे। और उसके बाद मैं आगे शैक में यहाँ से ट्राई कर रहा था कि थोड़ी सी केल उठाऊँ, ये बंदा आया मैंने इसको नॉक किया, फिनिश करेंगे
और फिनिश करने के बाद बाबा जी इसका किल हमें मिल गया 14 किल हमारे हो चुके थे। और इसका टीममेट एक सांप बन के आगे आ जाता है और हमारे मुंह पे आता है नेड। अब मुझे अंदर रुकने में डर ही लग रहा था कि अगर अंदर नेड आ गया ना तो काम ख़राब हो जाएगा। तो बंदा मुझे नज़र आया गाइस, मैं उसको मारने गया, इसने स्प्रे दिया। सामने जो पेड़ था ना दरख्त, उसकी कवर इतनी अच्छी नहीं थी। इतनी देर में ये पीछे अकेला सांप कैंपर भाई, इसने हमारे पिछवाड़े में गोलियां मार के हमको मार दिया। और ये देखो गाइस, ये एस का गेम प्ले था, यूरोप था ये। और आप सोचोगे मेरी मिडिल ईस्ट में रैंक क्या चल रही है, तो वो मेरी चल रही है टॉप 1800 में मैं हूँ। मैं जल्दी से एस करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। दुआ करो हो जाए सीज़न ख़त्म होने से पहले, और अगर सीज़न ख़त्म हो गया मेरा एस ना हुआ ना, वो कॉन्कर ना हुआ ना, रैंक हो जाएगा हमारे साथ। तो गाइस अब से शुरू होता है लाइक एक गेम प्ले ऐसा। मैं अगर आपको पसंद आया ना मुझे बताना कि मैं ना एक कमेंट कर दूंगा कि गाइस फनी गेम प्ले भी लाऊं। अगर आपने उस पर 2K लाइक्स कर दिए ना कमेंट्स में जाके, तो आई प्रॉमिस कि मैं फनी ट्रोलिंग वीडियोस भी लेके आया करूंगा। तो गाइस इसमें हमने यही किया, मैं पचिंकी लैंड कर रहा था, ऑल पे मुझे लाइक बुला रहे थे कि पचिंकी आ जाओ पचिंकी आ जाओ, तो मैं गया पचिंकी, बट बाबा जी वहाँ कोई आता नहीं है। और फिर मैं मज़े से करता हूँ पहले तो लूट, उसके बाद हम लोग ना लाइक ट्रोलिंग शुरू कर देंगे। और ट्रोल करने में अगर आपको देखने में मज़ा आता है ट्रोलिंग वीडियोस, तो मैं और ज़्यादा अपलोड करूँगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, लाइक कर देना उस कमेंट को जो मैं पिन किया होगा। तो वहाँ लूट करने के बाद गैस यहाँ पर आता हूँ, ये बेचारा ना आराम सुकून से लूट कर रहा होता है अपार्टमेंट में। तो जब मैं देखा ये डर गया काफ़ी, और ये लाइक लग रहा था कि मेरी तरह नूब है। तो मैंने कहा भाई नूब नूब को फिर ट्रोल करके मारेगा। और फिर मैं विंडो लाइक दूसरी दरवाजे से चला गया और ये सोफे पे बैठ के कैंप कर रहा था ख़तरनाक वाला। पहले मैंने सोचा गाइस कार 98 से मारूं, फिर मैंने कहा नहीं पैन से मारने का ट्राई करते हैं। दोबारा से आगे आया, वापस जाके सोफे पे कैंप करने लग गया। फिर मैं पैन निकाला, लॉल भाई को पैन से मार दिया। अब इनके गाइस बाकी टीममेट भी थे इसके, और फिर मैं इसकी की मज़े से लूट। इसके बाकी टीममेट जो थे वो गाइस कुछ स्कूल में थे, कुछ आगे रेड घर में थे, तो मैं आगे आगे क्लोज। अब रेड घर वाले जो है ना वो बॉट को मारता है, और उसके पास होती है उजी। उजी से गाइस वैसे ही डर लगता है, पहले तो हम पैन से चलाएंगे इसका किल। वो बैठा है गाइस सामने, देखो उजी लेके बैठा हुआ है। लॉल इसको एक ही लगी गाइस, पता नहीं बॉट ने डैमेज दिया था या क्या बेचारा। अच्छा हेड लग गया था इसको, ओके तभी ये मर गया। बैठा था ना तो हेड पे लगा पैन। वो गाइस देखो सैरी में जगाने आ रहा है, अल्लाहू अल्लाहू मैं मदीने चली आऊँ। आप लोगों को सैरी में कैसे जगाते हैं मुझे कमेंट में बताना। जब से मैं छोटा सा लाइक जब से मुझे याद पड़ता है ना, ये बेचारा साइकिल से गुजरता है और टेप लगाई होती है अल्लाहू अल्लाहू मैं मदीने चली आऊँ। सही है भाई, फिर गाइस इंशाल्लाह जाएंगे किसी दिन, लिखा हुआ किस्मत तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे मदीने। दो स्मोक की थी गाइस मैंने, उसके बाद मैं कर देता हूँ उस बंदे पे रश, क्योंकि मैंने इसको किया था लो। और पैन लेके मैं इसको मारता हूँ पैन, ये हो जाता है नॉक, और इसका टीममेट पीछे से मेरी बैंड बजा देता है कैंपर सांप। तो ऐसी ट्रोलिंग वीडियोस गाइस मैं बनाऊंगा अगर आपको मज़ा आता है। फिर इसमें तो गाइस हद ही हो गई थी लाइक स्टन कर करके हमने ट्रोल किया था। ये वाला गेम प्ले बहुत मज़े आ गया था, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि ट्रोल भी किया करूँ मैं या नहीं, कुछ अलग हो जाएगा ना लाइक रश गेम प्ले, मौत को छू के टक से वापस, ये तो बहुत ज़्यादा देख लिया आप लोगों ने। तो आप मुझे बताओगे ना तो फिर मैं कुछ नया भी लेके आऊँगा आप लोग के लिए। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा था कि थोड़ी सी चेंजिंग आनी चाहिए कंटेंट में। तो गाइस हमने जंप किया स्कूल, और स्कूल में सोलो सोलो मैंने लगाया था ताकि ट्रोलिंग करना थोड़ा इजी हो जाए। और ऑल वेपन था ये, तो हेवन आइटम ऊपर से गुजरते हैं मेरे, इसमें सारी गने मिलती हैं बस इतना पता है मुझे। तो क्रॉसबो मिला था गाइस, मैंने कोशिश की मारेंगे गन से तब जब बहुत लाइक ज़िंदा बचने के चांसेस कम होंगे, वरना क्रॉसबो से मारेंगे गाइस, ये प्लान था। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा होता है चारों तरफ से, सोलो है पता भी नहीं कौन कहाँ से आ जाए। तो लाइक मैं साइड पे वेट करता हूँ, थोड़ा सा स्कारल उठा लेता हूँ एमरजेंसी के लिए, कि जहाँ मेरी ज़िंदगी ज़्यादा खतरे में आ गई ना वहाँ हम स्कारल से मारेंगे। तो एक भाई साहब अभी आएंगे, पहले यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ अपना रूम, और एक भाई साहब आएंगे अभी। आए हाय आइए नर्स। तो भाई को मारा मैंने यहाँ पर क्रॉसबो से, डायरेक्ट मर गया था। और फिर छत पे होता है दूसरा बंदा, वो बड़ा लंबा कैंप कर रहा होता है। बाबा जी कोई बात नहीं करो कैंपिंग, कब तक बकरी की माँ खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। आहा हा कैंपिंग लेवल देखो, इसने ऑलरेडी एक बंदा ऐसे मार रखा था। तो अब मैं इसका वेट कर रहा था कि सर जी कब आप हमें अपना हेड दिखाएं और आपको मारे हम। तो मुझे डर ही लग रहा था, इसके बाद M249 थी, मैं नेड निकाला और ठाक करके बेचारा ऊपर चढ़ ही रहा था। क्लाइम यूज़ करके ऊपर चढ़ रहा था बेचारा। मैंने यहाँ पे इसकी बैंड बजा दी, फिर मैं यहाँ से गए स्टन ग्रेनेड जमा करना शुरू कर देता हूँ। और स्टन तो इतने मज़े के यूज़ किए थे ना हमने,
बहुत मज़ा आया था वो स्टन यूज़ करने में। वो बेचारा M249 वाले के ऊपर स्टन यूज़ किए गए, इतना मज़ा आया था ना। ओके ये बंदा यहाँ पे नज़र आता है, ये मुझे देख चुका था, तो उसको भी हमने यहाँ पे क्रॉसबो से डाउन किया और फिर लूट करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जोन चला जाता है तो हम सीधे चले जाते हैं बाबा जी अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में जाके मैंने कैसे ट्रोल किया उसको, वो आप खुद ही इंजॉय करो, मैं थोड़ा सा चुप हो जाता, मेरा गला दर्द कर रहा है, पानी पी लेता हूँ। आप लोग ज़रा देखो सामने बंदा था, उसको हमने कैसे ट्रोल किया स्टन ग्रेनेड से। गैस उसके बाद बंदे बचते हैं तीन, और ट्रोल करने का ये होता है ना कि ट्रोल करने में आप मरते बहुत ज़्यादा हो। अब ये बंदा यहाँ पे लेटा हुआ था और मैं पीक लेके इसको एक एमओ मार के बैठ रहा था, एक एमओ मार के बैठ रहा था। और ट्रोल करने में ना आपको बड़ा नुकसान होता है कि अगर सामने वाला थोड़ा सा भी समझदार है ना, वो आपकी बैंड बजा देगा और ट्रोल करने में आप बहुत बार मर जाते हो। तो मैं ऐसे इसको थोड़ा सा दूसरी बार ट्रोल करने के लिए जब खड़ा हुआ, कान के नीचे लगाया, क्रेट बनाया इसने हमारा, लॉल, ओम लेके बैठा था ये तो भाई। तो गाइस गेम प्ले तो मुझे पता है आप लोग अच्छा लगता है और आप लाइक भी दबा के करते हो। फनी वीडियोस कैसी लगती हैं ऐसी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इस लाइक इस वीडियो का लाइक हम रखेंगे और चलो जितना दिल से करना है आप कर दो, मैं नहीं रखता। अगर आपने लाइक मुझे लगा कि आपको ये पसंद आया तो मैं ऐसी वीडियोज़ और लेके आऊँगा। बाकी अपना ख्याल रखना गाइस, और दुआ करता हूँ कि आपके रोज़े बड़े आराम से गुजरें, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। इंस्टाग्राम पर गाइस फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।